हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अपना सेवा केंद्र सीएससी। अब स्टार्ट हो चुका है संत गहिराई यूनिवर्सिटी अंबिकापुर का जो है एग्जामिनेशन। तो उस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है, बहुत स्टूडेंट को अभी प्रॉब्लम आएगी तो यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, इसीलिए हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर किस प्रकार से डाउनलोड करना है, उसके हमें आंसर क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज में क्या हमें डिटेल भरना है, वे सभी जानकारी है। लिफाफा के जो ऊपर साइड रहता है उसमें क्या डिटेल भरना है और हमें कितना पेजेस होना चाहिए, वो पेजेस हमको कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से हम लोग को प्रिंट वगैरह करवाना है, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से मिलेंगे, आंसर पेपर किस प्रकार से मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर पेपर को लिखने के बाद लास्ट में क्या डिटेल भरना है और उसको पीडीएफ बनाना है कि नहीं बनाना है, किस प्रकार से उसे हमें हम लोग को यूनिवर्सिटी यानी कि कॉलेज तक पहुंचाना है, अपने कॉलेज तक, वे पूरी रिकॉर्डिंग हम बनाएंगे और आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। हम लाइफ में उसमें क्या क्या भरना है वे सभी चीज अभी पेंसिल में हमें भर के आपको दिखाएंगे और आंसर पेपर आपको किस प्रकार से प्राप्त करना है वे सभी चीज की रिकॉर्डिंग इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो हाँ फ्रेंड, अभी तक अपना सेवा केंद्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो आने वाले वीडियो रहेंगे आपको मिलेंगे सबसे पहले। तो चलिए हम चलते हैं कि क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर किस प्रकार से डाउनलोड करते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर को प्रिंट करके एक हमें उसको बनाने के बाद उसमें क्या क्या भरना है पूरी डिटेल हमने इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में जाते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर और आगे की प्रक्रिया बताएंगे। तो जैसे फ्रेंड हम लोग गूगल पेज में आ चुके हैं, गूगल पेज में आने के बाद यहाँ पे आपको हमें SGG टाइप कर देना है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से हमें टाइप करके डायरेक्टली यहाँ पे घुस सकते हैं और जो फर्स्ट में लिंक आएगा उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे भी यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे उसके मेन वेबसाइट में पहुँच जाएगा और यहाँ पे आप होम पेज में पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँचने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड पे आएंगे एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड का जो सेक्रेट वीडियो बन चुका है जो आई बटन में देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ विदाउट लॉगिन पे किया है, तो यहाँ पे विदाउट मतलब कि क्वेश्चन पेपर जब भी आप डाउनलोड करें अपने लॉगिन करने अपना आईडी उसके बाद ही आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि जो आपका रहेगा वही आपके आईडी के अंदर मिलेगा, बाहर से करेंगे तो शायद हमें रोंग भी हमें क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो सकता है, इसलिए आप अपना आईडी लॉगिन कर लें। तो जैसे कि मैं एक जन का आईडी है लॉगिन करके आपको बता देता हूँ, जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे सबसे नीचे आके देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से आएगा और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें आपका एक टू पे व्यू आएगा, तो व्यू पे आपको क्लिक कर देना है। व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर, यदि हमें अपलोड हो गया है और आपका एग्जामिनेशन होने वाला है तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा शो करेगा और यहाँ पे डाउनलोड लिंक भी दिया रहेगा, वहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर और प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे और आप बाहर आके बताते हैं, तो अब आपको आंसर पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, आंसर पेपर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आंसर पेपर हमें देखेंगे, आपको आंसर पेपर मिल जाएगा, वहाँ से आंसर शीट हमें डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको हमें अब हमें इसको हमें किस प्रकार से डाउनलोड करना है, मतलब कि जो आंसर पेपर के ऊपर लटकाते हैं और जो लिफाफा के ऊपर लटकाते हैं वे सभी को हमें किस प्रकार से डाउनलोड करना है अब हमें उसे बताने वाले हैं। तो उसका भी लिंक आपको वहाँ भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे मिलेगा आपको देख सकते हैं आंसर बुक एंड अदर हमें डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको हमें ले जाएगा एक पीडीएफ बना हुआ है जो यूनिवर्सिटी तरफ से डाल दिया गया है, वह पीडीएफ आपको खोलने के बाद हमें सिंपली इस तरह से दिखाई देगा। तो इसी को किस प्रकार से भरना है इसको हमें भरने में बहुत स्टूडेंट जो नया है उसे हमें बहुत डाउट आएगा और वे हमें यूट्यूब में सर्च मारेंगे, तो इसलिए हमने इसको वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे भरना है अभी हम लोग इसको प्रिंट करके निकालेंगे और उसके बाद आपको हम लोग बताएंगे पेन से यानी किस प्रकार से इसे ये सबको भरना है। तो इसको डाउनलोड करके आपको हमें इसे निकाल लेना है, ठीक है। अब हमें आंसर बुक को कैसे निकालना है वे भी हमें देखते हैं। तो फ्रेंड मैं एक हमें और वीडियो सेक्रेट वीडियो बनाया था उसमें आंसर बुक और क्वेश्चन पेपर हमें किस प्रकार से डाउनलोड करना है उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, जैसे ही आप देख सकते हैं ये हम लोग का वीडियो है, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वह लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ से जैसे ही आएंगे आप देख सकते हैं फ्रंट पेज और हमें वर्कशीट लिखा है, तो वर्कशीट पे आपको क्लिक करना है, वर्कशीट में ही आपको मिलेगा जो हमें क्वेश्चन आंसर आपको इसी शीट में बनाना है या भी पीडीएफ के रूप में हमें डाउनलोड है इसको भी हमें आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस ये हमें A4 साइज है, A4 साइज में ही आपको इसको प्रिंट करवाना है, इसे डाउनलोड करके आप प्रिंट करवा सकते हैं या हमें कहीं से परचेज कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सभी डाउनलोड हो गया। अब इसे मैं हमें प्रिंट कर लेता हूँ और प्रिंट करने के बाद हमें लाइव दिखाता हूँ कि इसे हमें किस प्रकार से हमें आपको भरना है जो फ्रंट पेज है इसको, ठीक है, इस पेज को भरना है। और यहाँ पे देख सकते हैं छोटा लिफाफा चिपकाने हैं तो ठीक है, और उसके बाद आपको आएगा ये बाहर जो है, जो आपका है लिफाफा रहेगा उसके बाहर लिफाफे में इसको चिपकाना है और इसको हमें भरना है। तो किस प्रकार से भरना है उसका वीडियो भी आपको हमें इस हमें बता दे रहे हैं इसी में लाइव। तो चलिए हमें उसको भी हमें प्रिंट करने के बाद हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमें दो प्रकार से पेज चाहिए। पहला पेज तो आपका मुख्य सेमेस्टर परीक्षा उत्तर पुस्तिका पेज चाहिए, ठीक है, इसमें किस प्रकार से भरना है। और आपका जो लाइन वाला पेपर चाहिए, ए वाला पेपर, ए वाला, दोनों पेपर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप प्रिंट करवा सकते हैं। और ये पेज है आपका A4 पेज ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसे किस प्रकार से भरना है उसे बताएंगे। तो चलिए हम इस कॉपी को रेडी कर लेना है। इस कॉपी में लगभग आपका 28 से 32 पेज होना चाहिए, 32 से ज्यादा पेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे मैं आपको डेमो के रूप में बता रहा हूँ, तो हम कम से कम पेज लेके हमें इस प्रकार से इसे करना है और उसके बाद यहाँ आपको स्टेपलर मार देना है। तो हम इसे हमें तैयार कर लेते हैं इस पेज को। तो इस प्रकार से हमको का जो है ये पेज हमें तैयार हो चुका है। अब हमें आपको लेना है एक हमें आपका जो है एडमिट कार्ड लेना है, एडमिट कार्ड के अनुसार ही इसको भरना है। तो सबसे पहले देखेंगे आपका यहाँ पे क्या पूछ रहा है और उसी के अनुसार भरेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं महाविद्यालय का जो है यहाँ पे कोड पूछ रहा है। तो आपका जो है इसमें एडमिट कार्ड में देखेंगे कि महाविद्यालय का जो कोड है वे कहाँ पे है। तो महाविद्यालय का जो कोड है वे यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको हमें हम डाल लेंगे इसमें, पेन से यहाँ इसको भर लेंगे। आपको अच्छे से भर लेना है महाविद्यालय का जो कोड है वे। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे परीक्षा का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप हमें परीक्षा का नाम डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे आप परीक्षा का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आपका विषय प्रश्न पूछ रहा है, तो आपका कौन सा विषय है उसका यहाँ पे नाम डाल देना है, ठीक है, तो विषय का नाम डाल देना है। उसके बाद आपको पूछ रहा है नामांकन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना नामांकन आईडी, यहाँ नामांकन नंबर, यहाँ संख्या उसको डाल देंगे। उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक पूछ रहा है, तो जो रोल नंबर है उसे यहाँ पे शब्दों में आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है, उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे पूछ रहा है परीक्षा का दिन पूछ रहा है। तो आप हमें एडमिट कार्ड में देखेंगे कि आपका कौन सा दिन है, जो सब्जेक्ट लिख रहे हैं उसमें हमें कौन सा दिन लिखा है वे दिन यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद हमें पूछ रहा है यहाँ पे आपका दिनांक पूछ रहा है, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड में सभी सब्जेक्ट एक ही दिनांक पे है, तो कॉमनली आपको सभी सब्जेक्ट में हमें एक ही दिनांक यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे पूछ रहा है कवर मतलब कुल हमें पेज संख्या कितनी है, तो आपको अभी हमें यहाँ पे कुल पेज संख्या नहीं लिखना है, पेपर हमें पूरा सबमिट करने के बाद आपको पेज संख्या लिखना है। और यहाँ पे आप परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछ रहा है, तो यहाँ पे परीक्षार्थी अपना हस्ताक्षर मार सकता है। उसके बाद नीचे हमें आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षक का हस्ताक्षर, तो जो क्वेश्चन पेपर यहाँ मतलब की जाँच करेगा उसका हस्ताक्षर यहाँ पे हमें चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं घोषणा पत्र लिखा है, तो यहाँ मैं यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे पुत्र या पुत्री पूछा है, तो आप यहाँ पे अपना फादर या मदर का नाम, किसी का भी नाम डाल सकते हैं। उसके बाद हमें पाठ्यक्रम पूछ रहा है, तो आप कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, कौन सा, तो उसको यहाँ पे डाल देना है, और कौन सा ईयर में है उसको डाल देना है। उसके बाद सब्जेक्ट पूछ रहा है कि वह कौन सा है सब्जेक्ट का उत्तर पुस्तिका है, तो यहाँ पे उस सब्जेक्ट का नाम भी लिख देना है। उसके बाद दिनांक पूछ रहा है, तो जो दिनांक आप यहाँ पे डाले थे वही दिनांक आपको यहाँ भी लिख देना है। उसके बाद इधर आएंगे पेज संख्या पूछ रहा है, तो पेज संख्या आपको लास्ट में हमें भरना है। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं घोषणा पत्र को परीक्षार्थी द्वारा साफ साफ स्वयं अवश्य लिखा जावे, तो जो आप ये घोषणा पत्र में लिखे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको आप फिर से यहाँ रिपीट आपको करना है, ठीक है, आपको इस प्रकार से रिपीट कर देना है। अब वो यहाँ पे फिर हमें परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो आपको यहाँ पे फिर हमें परीक्षार्थी का यहाँ पे हस्ताक्षर आपको मार देना है। तो इस प्रकार से जो है मुख्य सेमेस्टर परीक्षा उत्तर पुस्तिका हम लोग का फॉर्म जो है ऊपर भर दिया गया है। अब जैसे हम लोग कहने यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे पेज नंबर पूछ रहा है, तो पेज नंबर आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, न यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, जहाँ से आंसर लिखना चालू करेंगे वहां से आपको पेज नंबर डालना है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे पेज नंबर 1 डाल देता हूँ,
और नीचे देख सकते हैं आपको सिंपली यहाँ पे रोल नंबर डालना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको रोल नंबर यहाँ डालना है, उसके बाद यहाँ भी आपको सिग्नेचर मारना जरूरी है। हर पेज में आपको इसी प्रकार से सिग्नेचर मारेंगे और पेज नंबर डालना है, ताकि कोई बीच का पेज नंबर घूम जाए तो आपको हमें फिर से उस पेज नंबर मिल सकता है। रोल नंबर के और सिग्नेचर के अनुसार यहाँ डाल दिया जाएगा, कभी निकल जाता है तो ठीक है। और जैसे ही पेपर आप सभी चीज़ पेपर है इसमें 32 हाई तक हाई लगा सकते हैं, उससे अधिक नहीं लगाना है, या 28-30 रहेगा तो भी चलेगा ठीक है। तो उसके बाद हमें मान लीजिए कि आपको यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आप उधर सब तरफ लिख दिए हैं तो उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे आपको इस प्रकार से एंड लिख देना है। एंड लिख देंगे ताकि आपको उसको पता चल जाएगा आंसर पुस्तिका को जांच रहा है वे, तो यहाँ से एंड हो जाएगा। उसके बाद इसको हमें यहाँ पे आपको और हमें अभी हमें इसमें कंडीशन जो बदल गया है तो वे क्या क्या कंडीशन है लास्ट में, और आपको हमें सिग्नेचर नाम वगैरह हमें एनवायरमेंट आईडी हमें वगैरह वगैरह लिखना है, तो सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं या लास्ट में लिखेंगे। तो आप इस प्रकार से इधर को कर सकते हैं ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे और आपका यहाँ पे वहाँ पे एंड हो गया। और ये लास्ट पेज है, तो लास्ट पेज में यहाँ पे आपको क्या क्या चीज भरना है, तो पहला आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पे क्लास लिखना होगा, और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल हमें मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे नीचे रोल नंबर और सिग्नेचर मार देंगे। और लास्ट पेज नंबर आपका कितना पड़ गया, लगभग हमने आपका यहाँ पे 28 यानी कि 28 हमने पेज नंबर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पे आपको 28 पेज नंबर यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पेज नंबर हम 28 डाल देते हैं और यहाँ भी छूटा था पेज नंबर 28। तो इस प्रकार से यह हम लोग का हमें कंप्लीट हो गया ठीक है। अब यह कंप्लीट होने के बाद आपको इसको क्या करना है, इसको सिंपली हमें एक छोटा हमें लिफाफा लेना है, छोटा लिफाफा लेना है। तो छोटा लिफाफा जो है एक और आता है ठीक है, छोटा लिफाफा, तो छोटा लिफाफा में चिपकाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे एक और है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिंपली लिखा हुआ है छोटा लिफाफे पर चिपकाने हेतु। तो इसमें भी आपको सिंपल हमें इसको भी भर लेना है, यहाँ पे क्या क्या भरना है उसको देख लेते हैं। विषय पूछ रहा है तो यह कौन सा सब्जेक्ट का उत्तर पुस्तिका है उसका नाम यहाँ पे भर देंगे ठीक है, यहाँ पे जो उसका नाम भर देंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र पूछ रहा है तो प्रश्न पत्र भी यहाँ पे लिख देना है, और जो क्वेश्चन पे यहाँ पे दिनांक पूछ रहा है तो दिनांक जो आंसर पेपर में लिखे हैं वही दिनांक यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। और यहाँ पे प्रति प्रचार्य यानी कि आपके कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखना है, जो कॉलेज का नाम है वे पूरा पता आप यहाँ पे डाल देंगे, और कॉलेज का जो पिन है वे आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। प्रेशर पूछ रहा है आपका स्वयं का एड्रेस या स्वयं का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना स्वयं नाम डाल देंगे। कक्षा पूछ रहे हैं आप अपना क्लास डाल देंगे। अनुक्रमांक पूछ रहा है यहाँ पे अनुक्रमांक आपका रोल नंबर डाल देंगे। उसके बाद नामांकन क्रमांक पूछ रहा है नामांकन क्रमांक डाल देंगे ठीक है। आपका सभी पेज यहाँ पे देख सकते हैं, आवश्यक निर्देश भी दिया है, कृपया A4 साइज के लिफाफे में ही उत्तर पुस्तिका को बिना मोड़े सीधे सीधे रखें, तथा समस्त उत्तर पुस्तिका के पृथक पृथक लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में भी रखें। तो अब इसको क्या करना है, एक छोटा लिफाफा हम लोग को मतलब कि हमारे पास एक बड़ा लिफाफा है, इस प्रकार से हम लोग का बड़ा लिफाफा है, और ऊपर का जो कलर रहेगा व्हाइट या कोई भी एक ही कलर होना चाहिए, मैं डेमो के रूप में आपको बता रहा हूँ ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक छोटा लिफाफा ले लेना है जिसमें आपका 32 पेज है लगभग हमें घुस जाना चाहिए, आठ जाना चाहिए, तो वे हमें छोटा लिफाफा ले लेना है। तो मैंने चलिए इसी को डेमो के रूप में इस प्रकार से ले लिया। अब हमें इसमें क्या करना है, ये जो छोटा लिफाफा हम लोग का है इसके अंदर इस पेज को हमें डाल देना है ठीक है ना, बिना मोड़े एकदम अच्छे से इसको डाल देना है। इसको डालने के बाद आप क्या करना है, आपको इसको यहाँ पे हमें चिपका देना है, इसको हमें चिपका देना है इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में चिपकाना है, और इसको पैकिंग कर देना है इस प्रकार से और मस्त चिपका देना है। अब चिपकाने के बाद ये हम लोग का कंप्लीट हो गया ठीक। अब एक और आता है जो बड़ा लिफाफा आता है, बड़ा लिफाफा आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर लिखा हुआ बाहरी के लिफाफे में चिपकाने हेतु, तो सिंपली इसको भी आपको भर देना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे पाठ्यक्रम, तो आप कौन से कक्षा में पढ़ते हैं और कौन से ईयर में पढ़ते हैं वे आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आप कॉलेज का पूरा पता यहाँ पे टाइप कर देना है, उसका पिन कोड हमें कर देना है। अब हम इसको यहाँ पे आप प्रेषक पूछ रहा है, तो प्रेषक अपना हस्ताक्षर यानी कि स्टूडेंट अपना हस्ताक्षर, अपना नाम और अपना पूरा पता यहाँ पे लिखे। उसके बाद हमें यहाँ पे अनुक्रमांक
और नामांकन क्रमांक पूछ रहा है, उत्तर पुस्तिका की संख्या आप मतलब कि कितने आपका सब्जेक्ट है, वे सब्जेक्ट है उसका संख्या यहाँ पे टाइप कर देना है, और कौन कौन सा सब्जेक्ट है उसका नाम लिख देना है, और सिंपली जैसे हम लोग आप बड़ा हमने लिफाफा लेना है, वो बड़ा लिफाफा होना चाहिए आपका, जो पांच सब्जेक्ट है तो पांचों सब्जेक्ट अट जाना चाहिए, उस प्रकार से बड़ा लिफाफा ले लेना है, और जो बाहरी उसका प्रत रहेगा एक व्हाइट कलर या कोई भी कलर हो सकता है लेकिन एक कलर रहना चाहिए, और उसको यहाँ पे बाहरी जो प्रत है वो बड़ा लिफाफा को भी इस प्रकार से चिपका देना है। इस प्रकार से चिपकाने के बाद सिंपली इसको हमें आपको हमें गोंद से या किसी से इसको पैकिंग कर देना है मस्त, और उसके बाद इसको कॉलेज हमें पहुंचा सकते हैं, या कॉलेज आप नहीं पहुंचाएंगे तो आप पोस्ट के जरिए भी, दूर हैं तो पोस्ट के जरिए भी पहुंचा देंगे, पोस्ट के जरिए पहुंचाएंगे तो आप वहां पे एक टोकन नंबर मिलेगा जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं कि यह अभी कहां पहुंचा है, ठीक है। और आपको ये बात बताना है कि अब यहाँ पे आपको इसको पीडीएफ बनाना है कि नहीं, उसको ध्यान देना है, इसको आपको पीडीएफ बना लेना है ताकि कभी कुछ हो जाता है तो आप उस पीडीएफ को फिर से निकाल के उसको दे सकते हैं, क्योंकि हमें कभी हमें कुछ हो जाया मतलब कि भूल गया कहीं हो गया नजर नहीं आ रहा है, तो आपको हमें पीडीएफ बना के आप अपने खुद हमें रख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ भी बना लेना है, पीडीएफ की कोई जरूरत नहीं है लेकिन पीडीएफ आपको बना लेना है, लिखने के बाद पीडीएफ किस प्रकार से बनाना है उसका भी सीक्रेट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अभी तक अपना सेवा केंद्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी प्रकार के हम लोग के चैनल में वीडियो मिलते रहेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, और इसी प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए अभी तक तो फ्रेंड इतना मेहनत करने के बावजूद एक लाइक तो बनता है, हाँ अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।